हाय दोस्तों, राम राम। ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम तो लोग चल रहे हैं ऊपर अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपके यहाँ के नज़ारे। हम घूमने निकले थे तो हमने चलो आज चल रहे हैं हम लोग तो काफ़ी। हाय दोस्तों, राम राम। वहाँ से लो सही से आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग इस समय टैक्सी टेम्पल इटावा में घूमने जा रहे हैं और वहीं से देखा मैंने एक भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे। हमने सोचा यहीं पे भगवान जी के दर्शन करते हैं और यहाँ एक ब्लॉग तैयार कर लें आप लोगों के लिए। तो चलते हैं ऊपर, देखिए देखो सही आ रहा है। भाई ना करो कैमरा, आप सही है ऐसे ऐसे। भोलेनाथ का मंदिर है अपने का दोस्तों। देखिए भोलेनाथ के मंदिर पे हम लोग आ चुके हैं अभी। अब यहाँ से हम लोग दर्शन करेंगे। अभी चारों तरफ बड़ा अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये है देखो यहाँ पे हमारे पुजारी जी भी हैं और सारे लोग हैं। देखिए ये है मंदिर का नज़ारा यहाँ पे। और हम लोग आए हुए थे, हमारे साथ में शिवम भाई हैं और हम लोग देखो यहाँ पे आए हैं अजय भैया के साथ में। और दो दो दोस्त हमारे और अब नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से, तो हमने और अजय भाई ने सोचा कि हम ही लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत बना लेंगे, अगर टाइम है तो अपने पास। तो इस चीज़ के कारण हम लोगों ने अभी आए हैं और देखते हैं कितना बन पा, कितना कहाँ तक चल पाते हैं। हाँ जी, ये देखिए चारों तरफ नज़ारे हैं यहाँ के। तो ये भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे। ये हमारे दोस्त तैयार हो रहे हैं, देखो रेडी हो रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे मंदिर की सेवा करते हैं। देखिए ये दोस्तों हमारे हैं, तो ये सब लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग आए थे हुए थे यहाँ से गुजर रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर। तो हाँ जी, ये सब नज़ारा है यहाँ का। देखिए हम आप लोगों को दिखाते हैं चारों तरफ। और सब बढ़िया है, सभी देखो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये यहाँ पे गौशाला है, देखो गौशाला के दर्शन हम आपको कराएं। ये देखिए आप लोगों को, ये यहाँ पे गाय हैं, इतना सुंदर नज़ारा है देखो। ये गाय हैं इधर पे पीछे, और ये पीछे का दृश्य है चारों तरफ का। ये को आपको शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। और हाँ, ये हमारे महाराज जी यहाँ पे हैं। तो दोस्तों महाराज जी हमारे तो पूजा कर चुके हैं यहाँ पे। और ये देखो हमारे महाराज जी खड़े हुए हैं सारे लोग। ये देखो ये मंदिर का नज़ारा है चारों तरफ। देखो ये पंचमुखी महाराज जी हमारे हैं, रंगोली का मंदिर। ये पंचमुखी महाराज जी हैं यहाँ पे और अच्छा मंदिर है। पकड़ो यहाँ पे हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करके। ये पंचमुखी महाराज जी का मंदिर है, बड़ा शानदार मंदिर है। वहीं चलो दूर चलो। फोटो क्लियर आ रही, सही आ रही,
श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन परिसदार परनहु रघुबर बिमल यस जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार प्रभु विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार ध्यापति रामचंद्र शंकर हरिओ। तो हम आज मंदिर में आए हुए थे, यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हैं और बढ़िया से विशाल शानदार मूर्ति की, यहाँ पे तो शांति शांति है, इसके नज़ारे ही कुछ अलग होते हैं। और आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ तो हम आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे। ये टैक्सी टेम्पल डावा में है और हम यहाँ से गुजर रहे, तो हमने कहा मंदिर के दर्शन करते चलें। आप लोग कमेंट करके बताइए मंदिर के दर्शन कैसे लगे आप लोगों को, लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो हमारी त्रुटियाँ रह जाती हैं आप कमेंट करके उसमें बताएं कि किस तरह से हम उन कमियों को दूर करें और राम जी के दर्शन, हनुमान जी के प्रभु के दर्शन आप करेंगे, हनुमान जी के इससे अच्छा नज़ारा और क्या हो सकता है। जय श्री राम, श्री प्रभु वहीं बन जाए। जय श्री राम सीताराम। आप लोग बताइए कौन सा मंदिर है ये? कलेश्वर मंदिर है। पूरा नाम बताइए इस मंदिर का। कलेश्वर महादेव मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर पे अभी, और वहाँ आप लोगों को चल के दर्शन कराएंगे। देखिए कितना पतला और शॉर्ट कट में रास्ता है इसका, देखो पहाड़ी पर है मंदिर, पर नज़ारा यहाँ का। ये बजरंगबली का मूर्ति है यहाँ पे। ये भाई जी देखो नाश्ता करा रहे हैं। बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ पे, और ये देखिए शिवम भाई हमारे साथ में है। सीताराम महाराज जी, राम बाबा जी, हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे महाराज जी देखो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सामने से और बाबा जी बैठे हुए हैं सारे लोग। तो महाराज जी किसका मंदिर है ये यहाँ पे? पूरा महाराज जी बताएंगे। देखो अभी कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर है काफी पुराना, कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर। 1000 साल पुराना मंदिर है, और इनको ये कल्लू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें अभी किसी ने बताया था, तो मैंने कहा चलो बाबा जी से मुलाकात करेंगे। तो ये यहाँ के महाराज जी हैं, मंदिर की सेवा वेवा करते हैं। ये सामने देखो काली माता का मंदिर बना हुआ है, ये देखिए। हाँ तो ये है महाराज जी, हमारे महादेव और भोलेनाथ हैं। ये यहाँ के सब सेवक हैं प्रभु के, ये सब भक्त इधर के हैं देखिए। और हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ की, अभी जाएंगे थोड़ा। ये देखिए, ये देखिए हमारे भक्त लोग सब लगे हुए हैं यहाँ। पीछे का नज़ारा दिखा रही हूँ, और काफ़ी सुंदर ही नज़ारा है यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं। और ये किले के नाम से जाना जाता है, सुमेर सिंह किला। ये यहाँ का नज़ारा है देखो, क्या शानदार हसीन वादियाँ हैं। भोलेनाथ ने एकांत में वास किया है आके। और ये इधर जो दिखाई पड़ रहा है ये काली वाहन का मंदिर है, काफ़ी दूर है इधर से। तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे आके एक महाराज जी से मुलाकात की, और उसके बाद हमें भोलेनाथ के दर्शन भी किए करने जा रहे हैं अभी, आप लोगों को भी कराते हैं। ये देखो इधर किला की टंकी है, जमुना जी के किनारा है इधर, इधर जो है ये जमुना जी का किनारा है। और इधर से हम आपको चलते हैं, ले चलते हैं। देखो कितनी बढ़िया महाराज जी के यहाँ पे है व्यवस्था, ये देखो शानदार है नज़ारा। यहाँ सब्जी उगती है, फूल में लगे हुए हैं चारों तरफ, ये केला इलाक वृक्ष हुए हैं देखो। और हाँ जी, अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ।
ये देखिए रास्ता है मंदिर का, ये यहाँ से लोग चलते हैं। ये देखो ये यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं, सामने भोलेनाथ का मंदिर है और हम आपको पूरा दर्शन कराएंगे ले चल के। ये देखिए ये देखिए देखिए हम भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। देखो हमारे भक्त लोग खड़े हुए हैं, भोलेनाथ के पुजारी हैं। जैसे ही दोस्तों आपको देखो अजय भाई ने बताया था अभी कि बहुत अच्छा नज़ारा है और ये 1000 वर्ष पुराने मंदिर है, मंदिर भोलेनाथ का है, भोलेनाथ के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये जगह है किलेश्वर महाराज जी के नाम से। और ये देखो ये भाई साहब यहाँ आते हैं, थोड़ा सा बोलिए सामने। यहाँ आपको हर टाइप का पेड़ मिलेगा जो भोलेनाथ को प्रिय है, हर टाइप का जो भी आप चाहें, समी का पत्र है, यहाँ पर बेलपत्री है, सारे फूल हैं, केले का फल है, अनार है, हर चीज़ है यहाँ पर। हर चीज़ के महाराज जी ने पौधे लगा के रखे हैं और काफ़ी पुराना है मंदिर ये, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। खैर काफ़ी पुराना है मंदिर, नहीं जैसे महाराज जी बता रहे थे 1000 वर्ष पुराना मंदिर है ये, काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना। अच्छा हाँ, मेरे पापा भी बता रहे थे काफ़ी पुराना है, वो भी आते थे काफ़ी पुराना, हम भी खैर 2 साल से आ रहे हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है। और लास्ट वाली सोमवार को उनका बढ़िया, हर सोमवार को श्रृंगार होता है। वैसे हम लोग तो यहाँ पहली बार नाम सुना है इनका, कभी आई नहीं है, काफ़ी मंदिर देखे थे हमने, जंगल वगैरह है। अच्छा अच्छा, एक दो लोगों से आप लोगों से पूछा नहीं तो आप लोगों ने बताया, थोड़ा ऊपर है मंदिर, करो पकड़ो सही है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे भाई साहब ने अभी बताया आपको है, ये भोलेनाथ का मंदिर है देखिए, ये देखिए। और आज सावन अभी चल रहा है तो हमने कहा आपको दर्शन कराते हैं। ये भाई ये देखो आए हुए थे यहाँ पे, तो इन्होंने पूरा ब्यौरा आपको दिया है, ये देखिए सामने से लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा हमें, देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं, ये देखो फूल के हैं इधर सामने सामने, देखो फुलवारी बाबा जी ने बहुत लगा के रखी, सजा के रखा है मंदिर को चारों तरफ से। देखिए पहले आपको मैं चारों तरफ यहाँ का नज़ारा आपको पहले दिखाऊँ, कितना शानदार नज़ारा है। देखो आप किधर से भी देखो तो आपको ये सामने देखो पीपल खड़ा हुआ है, ये पीपल का वृक्ष है, ये गूलर का है, ये शहतूत बोलते हैं इसको, शहतूत है, गुड़हल है, गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे सजा के रखा है बाबा जी ने। और चारों तरफ ये सामने जो दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी एक चीज़ और, तो पूरी बगिया बनी हुई है इधर से, आपको मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए मैन चीज़ तो ये देखो, हाई टेंशन लाइन यहाँ से गुजरी है और इसके सामने से एक मंदिर चमक रहा है, देखिए आपको दिखाऊं, ये देखो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, दृश्य यहाँ का देखिए ये सामने से आपको, बहुत सुंदर सा यहाँ पे नज़ारा है, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखो आप देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो यहाँ पे बाग ये महाराज जी ने सजा के रखा है, यहाँ पे केले के पेड़ खड़े हुए हैं, अनार खड़ा हुआ है, देखो कितने बढ़िया दृश्य इन्होंने बना के रखा है यहाँ पे। हम आपको अंदर से ले चल रहे हैं, ये देखिए ये देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है यहाँ पर, ये गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं, हम तो गुलाब आपको चारों तरफ से दिखाते हैं, गुलाब का ही प्रिय है, देखिए भोलेनाथ को प्रिय हैं ये, बहुत सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे है और अच्छा भी लग रहा है चारों तरफ से, जो हरियाली होती है तो मंदिर में एक खास चीज़ है कि पेड़ पौधे अच्छे लगने चाहिए और उन्हें जो भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली हमें। पौराणिक में भी लिखा है कि भोलेनाथ को जो ज़्यादा प्रिय होता है वही चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखाई हैं कि भोलेनाथ को पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय हैं, वो जंगल के वासी हैं, गटगट के वासी हैं, इसलिए वो विशेषकर उनको यहाँ पे अच्छा लगा हमें।
चारों तरफ तो वो विराजमान हैं, कहीं भी आप जाओ तो भोलेनाथ के सिवा और कुछ जंगल में तो वो रहते ही हैं। देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है। और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, चल रहे हैं आपको दूसरी जगह पे। हम एक मंदिर और है, उसके भी दर्शन में कराऊंगा आपको, फिर निकल रहे हैं अभी। क्या बताया था भाई साहब आपने लास्ट सोमवार को? हाँ, श्रृंगार होगा, बढ़िया श्रृंगार होगा बड़ा। अच्छे अच्छे भंडारा भी होगा बाबा, ब्लॉग बनाने ना। हाँ, ये भैया बता रहे हैं अभी लास्ट सोमवार को अच्छा सा यहाँ पे सजावट होगी प्रभु की मूर्ति का, भंडारा तो है। भंडारा भी है, टाइम निकाल के आएंगे। ये देखिए ये सारा नज़ारा था यहाँ। हम लोग चल रहे हैं अभी, आपको हमारा तो हाथ दर्द करने लगा। ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको बिस्तर से दिखाई, बिस्तर तो जितना पास मुझे दिखा पाए हम आपको विस्तार से। और ये देखो हम आपको लिए चलते हैं, बजरंगबली बाबा जय हो प्रभु। ये है देखिए नज़ारा, क्या शानदार नज़ारा है यहाँ का। मैं आपको दिखाऊं प्रभु की कुटिया, कुटिया का नज़ारा है ये। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे अंदर आके, अंदर से आत्मा से प्रभु के नाम अपने आप निकलने लगे। देखो कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है, हे प्रभु। देखो कितना बढ़िया मंदिर है, और हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मिलके। जय हो प्रभु, ये सारा नज़ारा था यहाँ का। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे आपको लिए चल रहे हैं। चलो तो दोस्तों, राम राम। ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम।